महाराष्ट्र में लगातार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है और लगातार सरकार व प्रशासन इसे रोकने और सीमित करने की कोशिश में जुटी हुई है। भारत में शुक्रवार को कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 2000 के पार हो चुका है और इसमें से 450 से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। अब तक यहाँ 15 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। जिन जगहों पर मरीज सामने आए हैं उनको संक्रमण मुक्त करने के लिए रासायनिक घोल का छिड़काव किया गया है। महाराष्ट्र में पुणे के वैज्ञानिक डॉक्टर मिलिंद कुलकर्णी ने कोविड-19 रोगियों के नमूने एकत्र करने के लिए पॉलीमर स्वैब विकसित किया है। उन्होंने इस बारे में कहा कि इस पॉलीमर आधारित किट को तैयार करने के लिए हमने पॉलीप्रोपाइलीन सामग्री का इस्तेमाल किया है। इससे स्वैब और पॉलिस्टर फाइबर की स्टिक बनाई जा रही है। कोरोना वायरस के खिलाफ जहां पूरी दुनिया लड़ रही है, वहीं साइंटिस्ट भी इसका तोड़ निकालने में जी जान से मेहनत कर रहे हैं। पुणे शहर में एक साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के मरीजों की जांच करने वाला टेस्टिंग किट में महत्वपूर्ण पॉलीमर स्वैब निर्माण किया है। पुणे के सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है। इसे टेस्टिंग के लिए बेंगलोर में भेजा गया है। हमारे देश में लगभग 40 लाख पॉलीमर स्वैब की जरूरत है। यह किट भारत में नहीं बनता बल्कि इसे दूसरे देशों से मंगाया जाता है, जैसे इटली, अमेरिका और जर्मनी। कोविड-19 विषाणु की जांच करने के लिए संशयित मरीजों के गला एवं नाक के द्रव पदार्थ के नमूने जांच हेतु जमा करने के लिए यह पॉलीमर स्वैब का निर्माण किया गया है। यह पॉलीमर स्वैब विशेष पॉलीमर यानी पॉलीप्रोपिलीन तथा पॉलिस्टर से बनाया गया है। आज तक हम यह पॉलीमर स्वैब इटली, जर्मनी तथा अमेरिका आदि देशों से आयात करते थे, लेकिन आजकल की लॉकडाउन परिस्थिति में इसकी आयात पर काफी गंभीर असर पड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया की योजना के अंतर्गत यह पॉलीमर स्वैब बनाने का प्रयास किया है। पॉलीमर स्वैब के प्रोटोटाइप नमूने हमने वैद्यकीय जांच हेतु बेंगलोर भेजे हुए हैं और मेडिकल परीक्षण के बाद स्वदेशी बनावटी के किफायतशील पॉलीमर स्वैब जल्द ही हमारे देश के आम आदमी के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। लगातार 8-10 दिन के कड़ी मेहनत के बाद इसका निर्माण किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसआरएस न्यूज़, पुणे।